हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एनकाउंटर की एक और नई वीडियो में। गाइस, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की टीम को तो अच्छी तरीके से मजा चखाया है और अब बारी है वेस्ट इंडीज सीरीज की, जो कि वेस्ट इंडीज में होने वाली है और शिखर धवन की कप्तानी में हमें भारतीय टीम जो है वेस्ट इंडीज की सीरीज में दिखने वाली है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि भारतीय टीम की इस मैच के लिए किस तरह की प्लेइंग 11 रहने वाली है। 22 जुलाई को पहला ODI मैच जो है शाम को 7 बजे क्वींस पार्क ओवल त्रिनिदाद में खेला जाएगा। कौन से प्लेयर्स को मौका मिल सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को यहां पर रेस्ट दिया गया है, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि पहले ODI मैच के लिए भारतीय टीम की किस तरह की प्लेइंग 11 रहने वाली है। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है उसे जरूर से ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना। शुरू करते हैं। चलिए गाइस, फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय टीम के ओपनर्स की बात कर लेते हैं। तो शिखर धवन के साथ ईशान किशन हमें ओपन करते हुए नजर आने वाले। जी हां दोस्तों, यहां पर शिखर धवन का मतलब ODI सीरीज में इतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था, गब्बर को वापसी करना पड़ेगा क्योंकि कप्तानी भी करने वाले इस मैच में, और मतलब गब्बर को अच्छी तरीके से वापसी करना पड़ेगा। और ईशान किशन तो अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं, लास्ट एक दो मैचेस में अच्छे नहीं खेले थे, लेकिन ईशान किशन की ODI सीरीज में किस तरह की वापसी होती है वो हमें देखना पड़ेगा। T20I सीरीज में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन ODI सीरीज में किस तरह से खेलते हैं आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ओपनर्स की अगर हम बात करें तो शिखर धवन और ईशान किशन ओपन करने आने वाले हैं। ओपनर्स के बाद अब बात कर लेते हैं हम मिडिल ऑर्डर की। तो नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर संजू सैमसन और नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो संजू सैमसन की ODI में हमें फिर से वापसी होते हुए नजर आने वाली है। हालांकि T20I सीरीज में संजू सैमसन को नहीं लिया गया है, लेकिन ODI सीरीज में बहुत अच्छा खेल सकते हैं ये। इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अच्छी पारी खेली थी 77 रन की। सूर्य कुमार यादव स्काई जो है बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और इंग्लैंड की सीरीज में भी इनका प्राइम फॉर्म चल रहा है। और श्रेयस अय्यर को यहां पर थोड़ी सी वापसी करना पड़ेगा, श्रेयस अय्यर जो है अभी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं खेल रहे, लेकिन इस सीरीज में वापसी कर सकते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी, इनके पास टेक्निक बहुत अच्छी, खेलने की बड़े शॉट है, इनके पास जो है स्वीप कवर है, बहुत अच्छा खेल लेते हैं। तो मिडिल ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कौन से प्लेयर्स को मौका मिल सकता है वो भी बता देना। तो ये तो था मिडिल ऑर्डर, अब बात कर लेते हैं हम लोअर ऑर्डर की। तो नंबर 6 पर अक्षर पटेल, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 8 पर युजवेंद्र चहल। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है क्योंकि यहां पर जो है मतलब हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया है, तो अक्षर पटेल हमें हार्दिक पांड्या की जगह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। रविंद्र जडेजा का फॉर्म जो है अभी लगातार बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे हम फील्डिंग की बात कर लो, बैटिंग की बात कर लो, बॉलिंग की बात कर लो, जडेजा जो है अपने प्राइम फॉर्म में खेल रहे हैं। और युजवेंद्र चहल का जो है मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि इनका इकोनॉमी बहुत हाई रहता है बॉलिंग में, लेकिन युजी चहल को भी अच्छी वापसी करना पड़ेगा और वेस्ट इंडीज जैसी सीरीज में मतलब स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, तो युजी चहल का बहुत ही अहम रोल रहने वाला है। तो आपके हिसाब से कौन से प्लेयर चलेगा आप भी अपनी राय जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम टीम इंडिया के गेंदबाजी लाइनअप का, किस तरह का गेंदबाजी लाइनअप टीम इंडिया का रहने वाला है इस मैच के लिए। तो नंबर 9 पर आवेश खान, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा। जी हां दोस्तों, आवेश खान की यहां पर इस मैच में वापसी होने वाली है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, तो आवेश खान हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अर्शदीप सिंह जो है चोटिल हो गए थे इंग्लैंड की सीरीज में, लेकिन एक मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाया था आयरलैंड वाली सीरीज में, तो इस मैच में मतलब अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई था इनका इंग्लैंड वाली सीरीज में, तो प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप बहुत अच्छा दिख रहा है टीम इंडिया का। और यहां पर भुवनेश्वर कुमार को भी नहीं लिया गया है सीरीज में, रेस्ट दिया गया है, तो गेंदबाजी लाइनअप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 के साथ जो है पहले ODI मैच में इंडियन टीम हमें दिखने वाली है। आपके हिसाब से कौन से बदलाव होना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, आप भी अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और टीम इंडिया के फैन हो तो आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। तो बस बाय बाय।